मैम स्क्रीन शेयर करके वो पीपीटी भी पढ़ाने वाले। हाँ, तो हम लोग जो है सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो इसका आंसर है एंटोन वॉन लिवेनहॉक। ओके, तो इसका आंसर है एंटोन वॉन लिवेनहॉक, जिसने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका आंसर है नोल एंड रस्का। ठीक है, उसने सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर किया था। एट द एंड ऑफ अवर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो है वो है हेम्प फाइबर। ठीक है, हाँ हाँ नेक्स्ट, फिर हर्षवर्धन। बेटा बीच बीच में मत बोलो, देखो रिकॉर्डिंग में वो बहुत बेकार लगता है अगर आप जैसे बीच बीच में बोलते हो, वो रिपीट क्यों कर रहे हो, या तो आप यहाँ पर आकर पढ़ा लो प्लीज। रिपीट नहीं करेगा जो मैंने बोला है, आप रिपीट करने लग जाते हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे मैं अगर कोई क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज तब आंसर करिए, आप प्लीज टीचर के साथ साथ में मत बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एग सेल इज लार्जर देन स्पर्म सेल। ये जो है कॉमन डाउट है, ये बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है, आई थिंक शायद गूगल से कॉपी किया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि एग सेल जो होता है क्यों बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म सेल। तो देखो जो एग सेल होता है वो साई धन्वंते का डाउट है कि आप स्क्रीन शेयर करो बेटा, इसका स्क्रीन शेयर मैंने गूगल क्लासरूम में बेटा अपलोड किया, आप वहां से देख सकते हो क्वेश्चंस। मैंने ये क्वेश्चंस जो है गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है इन अ फॉर्म ऑफ होमवर्क, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एग सेल जो होता है क्यों लार्जर होता है एज कंपेयर टू स्पर्म सेल। तो देखो एग सेल जो होता है ना, उसका साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जो है प्रिपेयर होना रहता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसमें होता है, एग के अंदर होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होगा। तो फर्टिलाइजेशन, जब एग सेल का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म सेल का न्यूक्लियस, जो एग सेल का जो न्यूक्लियस है जब फ्यूज होता है स्पर्म सेल के न्यूक्लियस से, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एग सेल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एग के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए उसका साइज जो होता है बड़ा होता है। लेकिन जो स्पर्म सेल होता है वो स्मॉल होता है और उसमें ना टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज एग सेल एंड दिस इज स्पर्म, तो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये स्पर्म को ट्रेवल करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एग सेल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जिसको भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। राजवीर का है कि मैम कैन यू रिपीट। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ एक क्वेश्चन। देखो एग का साइज जो है लार्ज क्यों होता है एज कंपेयर टू स्पर्म सेल। एग सेल आपको पता है क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एग सेल, जो स्पर्म सेल जो मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये एग सेल का जो साइज होता है वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रिपेयर होना रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, इट इज द फ्यूजन ऑफ एग सेल
एंड स्पर्म सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये इसको किसके लिए प्रिपेयर होना होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होना रहता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेल है उसको न्यूट्रिएंट भी कैरी करना रहता है, ओके। और स्पर्म सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल क्यों होता है, छोटा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें एक तो टेल प्रेजेंट होती है, जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी वो इफिशियंट होगी, वो इजीली जो है ट्रैवल कर पाएगी। और ट्रैवल क्यों कर पाएगी, क्योंकि देखो इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इजीली वो लोकोमोशन कर सकता है, मोटाइल होता है ये स्पर्म सेल। तो इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एग सेल। अभी क्लियर है, यस और नो? यस मैम। मैम मेरा कनेक्शन जा रहा है, एक बार वापस बताओ ना। अब बेटा आप पर्सनली पूछो, सबको क्लियर है, आप तीसरी बार पूछ रहे हो बेटा। सर रिकॉर्डिंग, मैम रिकॉर्डिंग है ना, मैम रिकॉर्डिंग है ना, आप क्लासरूम पे भेज दो लेना, ठीक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप उसमें देख सकते हो। मैम वो गूगल क्लासरूम पे भेज देना। प्रचेत ने एक्चुअली लिखा है कि आई हैव रिटन दैट एग सेल्स आर लार्ज बिकॉज एग हैव सेल्स कंटेन ऑर्गेनल्स व्हिच हेल्प इन डिवाइड लाइक सेंट्रोसोम, इज इट करेक्ट? तो बेटा वैसे मतलब जो एग सेल, मैंने भी वही लिखा है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट तो होते हैं और सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो स्पर्म सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्या है, स्पर्म सेल और एग सेल दोनों कैसी सेल है, एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है, दोनों में सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। पर साइज की अगर हम बात करें ना, तो एग सेल का साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होना है। इसके अंदर जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये देखो ये सेल है और इसमें स्पर्म जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस। तो ये एक्रोसोमल कैप जो होती है डिसॉल्व होती है और ये इसका जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है इससे इंटरैक्ट होता है, मतलब इससे फ्यूज होता है, तो उसको स्पेस चाहिए होती है, इसलिए इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म सेल। क्लियर है प्रचेत? प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट फैक्टर्स गवर्न द शेप एंड साइज ऑफ सेल, वो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए मैं इस क्लास में नहीं बता रही हूँ। अगर जिसको भी प्रॉब्लम है पर्सनली प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज मैं अगर फिर से एक्सप्लेन करूंगी टाइम वेस्ट होगा हमारा जिसको ऑलरेडी आता है। चलो उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था, हु गेव मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी का जो आंसर है वो है रडल्फ विर्को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है श्लीडन एंड शॉन, तो वो इनकरेक्ट है। इसका जो मॉडर्न सेल जो थ्योरी थी ना, जो फर्दर सेल थ्योरी को एक्सपांड किया था, उसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, और उसको दिया था रडल्फ विर्को ने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाई वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब वायरसेस जो होते हैं एक्सेप्शन क्यों होते हैं सेल थ्योरी के लिए, तो इसलिए एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि सेल थ्योरी में सेल के बारे में बताया है, ठीक है, लेकिन वायरस जो होता है उसमें कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, इसका ये करेक्ट आंसर है। चलो उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, नेम द केमिकल यूज्ड टू स्टेन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, एनिमल सेल जो है आपको कैसे, एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो है कैसे आप उसकी स्लाइड बनाते हो, उसका एक्टिविटी जो है मैंने आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड की थी। तो उसमें आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जो प्लांट सेल को जो स्टेन किया था, उसको जो रिएजेंट यूज किया था उसका नाम था सेफ्रानिन, और जो एनिमल सेल ब्लू, हाँ मिथिलीन ब्लू से जो है उसको स्टेन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मिथिलीन ब्लू फॉर एनिमल सेल एंड सेफ्रानिन फॉर प्लांट सेल। अब
अब उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड मॉडिफिकेशन, तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई अगेन रडल्फ विर्को ने किया था और ऑलरेडी ये जो है मॉडिफिकेशन हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था राइट एग्जांपल्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है और डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है। इसके आपको सिर्फ एग्जांपल लिखने हैं, इवन वो शायद पीपीटी या वो एमएस डॉक्यूमेंट में भी शायद मैंने एक दो एग्जांपल दिए हैं हर शायद से, तो आप उसमें से भी देख सकते हो, इवन मॉड्यूल में भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ओनियन पील एंड चिक एपिथेलियल सेल्स, तो इट इज अ डिफरेंट, बेसिकली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा प्लांट सेल एनिमल सेल नहीं हुआ था तो हम लोग वो अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लोग जैसे जैसे लाइक रिविजन में जो टॉपिक आता जाएगा वो हम वैसे करते जाएंगे, क्योंकि सेल वॉल वाला है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने सेल वॉल अभी नहीं पढ़ा है, तो जैसे ही सेल वॉल वाला क्वेश्चन आएगा हम उसको जो है देखेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है जो ओल्ड स्टूडेंट है वो प्लीज पूछ सकते हो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी जो हमारा जहां से हमको कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी मैम,